दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से फोन पे एप्लीकेशन से आप एक मिनट के अंदर किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फोन पे एप्लीकेशन पर कोई भी नंबर जो होता है वो उसका फर्स्ट का 2 अंक और लास्ट का 3 अंक ही केवल दिखाया जाता है, बाकी के अंक जो होते हैं हाइड होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक पेमेंट रिसीव किया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पेमेंट हमने रिसीव किया है इस नंबर से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट का 2 डिजिट जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है और लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बाकी जो है नहीं देख पा रहे हैं हम। अगर हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है तो इसे हम लोगों को पूरा नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे इसी के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नंबर जो है ना आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेकबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टिल यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे हाइड ही है, जो कि 5 डिजिट होता है बीच का, ये हाइड ही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो आप लोगों को 3 डॉट देखने को मिल रहा है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैनेज रिमाइंडर्स का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे ऐड रिमाइंडर को ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे हमें कम्प्लीटली दिखाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे जो नंबर हाइड था यहाँ पे कम्प्लीटली आप उस नंबर को देख सकते हो। सो अगर आप किसी भी नंबर को फोन पे एप्लीकेशन से निकालना चाहते हो तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हो। ये जो है एकमात्र ऐसा तरीका है जहाँ से आप जो है निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।